सो आई एम रियली सॉरी साहिल खान सर, आप बुरा मत मानिए, ये जो प्रोटीन है इसका जो स्मेल है बहुत मेडिसिन जैसा है, मतलब व्हे प्रोटीन से मतलब स्ट्रॉबेरी फ्लेवर कहीं से नहीं आ रहा है, आप थोड़ा ध्यान दीजिए ये। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड फिट लाइफ। मेरा नाम है अभिजीत और आज जो प्रोडक्ट का हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं, प्रोडक्ट है आपका साहिल खान जी का डिवाइन न्यूट्रिशन व्हे प्रोटीन, लाइफ व्हे प्रोटीन, ठीक है। इसका रिव्यू होगा आज। ये जो रिव्यू है इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो जो चीज मैं यहाँ पे बोलूंगा, बहुत कुछ मैंने यहाँ पे नोटिस किया उसके बाद ये रिव्यू मैं बना रहा हूँ। और यहाँ पे प्रोचेक किट के साथ आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा क्या रिजल्ट आते हैं। आप लोग को सारा जानकारी जो है वो सही से रखना चाहिए ये प्रोडक्ट के लिए, उसके बाद आपको एक सही प्रोडक्ट चूज करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये सही है कि नहीं है, सारा जो डिटेल से डिटेल में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। जो जो नया व्यूअर्स तो मेरे चैनल पे अभी वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरे चैनल में ऐसा जो वीडियो है आते रहते हैं रिव्यू वीडियो, और जो रिव्यू मैं करता हूँ वो रिव्यू मैं करता हूँ आफ्टर यूज, मतलब इसको यूज करने के बाद इसका रिजल्ट कैसा है वो देखने के बाद मैं ये जो रिव्यू है आप लोग को पब्लिश करता हूँ, ताकि आप लोगों को एक सही जानकारी मिले कि प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट का टेस्ट कैसा है, प्रोडक्ट का मिक्सिबिलिटी कैसा है, यूज करने के बाद रिकवरी रेट कैसे है, सारा जो डिटेल्स है वो सारा जो चीज है वो आप लोग को यहाँ से जानकारी मिल जाएगा। मेरे पास जो पैकेट है वो है 250 ग्राम का। मैंने छोटा इसलिए लिया क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है, मुझे एक बार चेक करना था कि ये प्रोडक्ट जो है कैसा है, उसके बाद अगर अच्छा लगता है तो फिर मैं इसको ले सकता हूँ इन फ्यूचर। तो ये प्रोडक्ट को लेने के बाद मैंने इसका जो पैकेजिंग है इसको मैंने पहले नोटिस किया। पैकेजिंग अगर मैं बोलूं 200% एक प्रीमियम पैकेजिंग यहाँ पे किया गया है, जो आपका लैमिनेटेड है और बहुत ही प्रीमियम फील देता है जब आपका हाथ में रहता है, ठीक है। बहुत ही प्रीमियम मतलब बहुत ही बढ़िया एक पैकिंग यहाँ पे दिया गया है। पास है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, और चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका जो फ्रंट पोर्शन है, फ्रंट पोर्शन में क्या क्या लिखा है वो एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट है कंपनी का लोगो, उसके बाद आपका लाइफ वे जो है वो नाम, और नीचे है फ्लेवर का नाम, और यहाँ पे लिखा है कि 30 ग्राम्स ऑफ अल्ट्रा फिल्टर्ड वे प्रोटीन आपको दिया जा रहा है। मतलब यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन मेथड है वो यहाँ पे मेंशन किया है कि 30 ग्राम्स अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड, ठीक है। और इसमें आपका प्रो हाइड्रोलिज आपका जो एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम, यहाँ पे ऐड किया गया है प्रोटीन को सिंथेसिस सही से करने के लिए, ठीक है। जो ये जो पैकेट है इसमें आपको 12 स्कूप मिलेगा और आपका टोटल सर्विंग है 6, ठीक है। क्यों 6 है मैं अभी आपको बोल देता हूँ, बट उससे पहले एक बार मैं जस्ट आपको इन्फॉर्म कर दूं कि इसका मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम इनफ्लक्स हेल्थ केयर, और ये जो कंपनी है ये पालगढ़ से है, और उसके बाद इसका मार्केटिंग जो कंपनी है वो है वेदांत न्यूट्रिसिटिकल लिमिटेड, जिसका कंपनी आपका है सूरत से, ठीक है। जहां यहाँ पे बात करते हैं मैक्रोस के ऊपर, मैक्रोस यहाँ पे कंपनी जो मेंशन किया है, फास्ट है सर्विंग साइज है 40 ग्राम्स का। आपको इनके अंदर जो स्कूप है, स्कूप मैं आपको दिखा देता हूँ, ये स्कूप का 2 स्कूप आपको लेना पड़ेगा फिर जाके आपका 40 ग्राम्स जो सर्विंग है वो आपका आएगा। 40 ग्राम्स में आपको क्या क्या मिल रहा है वो मैं आपको एक बार बोल देता हूँ। इसलिए मैंने आप लोग को बोला कि इसके ऊपर लिखा है कि इसके अंदर टोटल 12 स्कूप्स है, बट आपको सर्विंग मिलेगा 6, क्योंकि 2-2 स्कूप करके आपको लेना पड़ेगा पर सर्विंग। अगर आप 40 ग्राम्स का एक सर्विंग लेते हो उनमें आपको प्रोटीन मिलेगा 30 ग्राम्स, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा 3.42 ग्राम्स, और फैट जो आएगा वो है 1.89 ग्राम्स। अगर 100 ग्राम्स का मैं पकड़ू, 100 ग्राम्स में आपका टोटल जो प्रोटीन है वो है आपका 75 ग्राम्स आपका निकल के आएगा। कि विटामिन मैग्नीशियम सारा जो डिटेल्स है यहाँ पे दिया हुआ है, बट कंपनी ने यहाँ पे BCAA जो प्रोफाइल है वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया कहीं पे भी। मैं फर्स्ट वाला जो पोर्शन है, फ्रंट वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे भी मैं अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पे भी कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया है कि नेचुरल अकॉर्डिंग जो BCAA ग्लूटामाइन जो होता है वो कितने मात्रा में निकल के आया है, उसका जो नाप है यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिया है। अगर पीछे मैं चेक करूं, पीछे में भी मुझे कहीं पे मैंने देखा नहीं, ठीक है। तो अभी बात करते हैं ये प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स के ऊपर। इंग्रेडिएंट्स थोड़ा इंटरेस्टिंग है, जैसे ही कंपनी यहाँ पे मेंशन किया है कि व्हे प्रोटीन कंसेंट्रेट जो आपका एवोनलैक जो है ट्रेडमार्क ग्लैनबिया का वहां से सोर्स कर रहा है, और एक है आपका व्हे प्रोटीन आइसोलेट जो आपका प्रोबोन जो है आपका ग्लैनबिया का और एक ट्रेडमार्क, तो वहां से आइसोलेट जो सोर्स है उसको लिया जा रहा है। तो ये 2 सोर्स से ये ब्लेंड प्रोटीन आपको दिया जा रहा है, ये बेसिकली एक ब्लेंड प्रोटीन है, बट जो रॉ इंग्रेडिएंट्स है वो ग्लैनबिया से आ रहा है, एक है एवोनलैक और एक है प्रोबोन। बाद यहाँ पे जो विटामिन मैग्नीशियम, उसके बाद थिकनर, ये सारा जो डिटेल्स है यहाँ पे दिया हुआ है, मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ आप लोग देख सकते हो। साथ में यहाँ पे कंपनी USFDA अप्रूव जो लाइसेंस नंबर है वो दिया हुआ है, GMP ISO सर्टिफाइड FSSAI सर्टिफाइड है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। सारा जो डिटेल्स है मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ। साहिल खान का जो व्हे प्रोटीन है उसका टेस्ट प्रोचेक किट के साथ, मसल टेस्ट प्रोचेक किट के साथ हो, तो ये सील पैक है, और यहाँ पे 200 ml पानी है, और
प्रोजेक्ट किट में हम लोग टेस्ट करेंगे और देखेंगे इसका क्वांटिटी और क्वालिटी क्या आते। तो चलिए प्रोजेक्ट किट को निकाल लेते और यहाँ पे टेस्ट करते हैं उसको, देखते हैं कि कितना बढ़िया क्वालिटी है। तो कैमरा के सामने ये जो वे प्रोटीन है इसको मैं सील जो है इसको ओपन कर रहा हूँ। सील बहुत बढ़िया है, बहुत टाइट सील है और उसके साथ साथ ये पैकेट भी बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो आप लोग टेक्सचर, स्कूप स्कूप एक बार आप लोग को दिखा देता हूँ। ब्लैक कलर का स्कूप आएगा यहाँ पे और मेरे पास है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, क्योंकि और कोई फ्लेवर मैं ऑनलाइन में नहीं मिल रहा था तो जिसके लिए मैं स्ट्रॉबेरी जो फ्लेवर है उसको ही परचेस किया। सो ये है इसका स्कूप, स्कूप एक्यूरेसी भी यहाँ पे टेस्ट करेंगे, बट उससे पहले ये किट जो है इसको रेडी कर लेते ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग खाली जो स्कूप है ये स्कूप का वेट देख लेते हैं कितना है। तो ये स्कूप का जो वेट है वो है आपका 8 ग्राम, देख पा रहे हो। तो इसको माइनस कर देते हैं और कंपनी का जो क्लेम है वो मैं दिखा देता हूँ। और कंपनी बोल रहे हैं कि ये जो स्कूप है इसका 2 स्कूप का नाप है आपका 40 ग्राम। सो चलिए यहाँ पे मैं पहले एक लेवल स्कूप लेता हूँ और देखता हूँ कितना आता है। 40 ग्राम मतलब एक एक स्कूप का जो सर्विंग होगा आपका 20 ग्राम के आसपास, ठीक है। मैंने एक लेवल स्कूप ले लिया, कितना आते हैं। सो यहाँ पे मैं रख दे रहा हूँ एक लेवल स्कूप और यहाँ पे आ रहा है 29 ग्राम, 9 ग्राम ज्यादा। तो स्कूप एक्यूरेसी हाईली इनएक्यूरेट है, क्योंकि अगर आप इसका 2 स्कूप लेते हो तो ये हो जाएगा आपका ऑलमोस्ट 60 ग्राम के आसपास। तो यहाँ पे कंपनी बोल रहे हैं कि ये जो स्कूप है दो स्कूप का सर्विंग है आपका 40 ग्राम, बट यहाँ पे जो आ रहा है आपका 29 ग्राम, मतलब आपका 2 स्कूप अगर ऐसे लेते हो तो आपको आ जाएगा 60 ग्राम के आसपास, 20 ग्राम आपको ज्यादा इसमें आ जाएगा। यहाँ पे स्कूप एक्यूरेसी में फेल कर गया, स्कूप एक्यूरेसी सही नहीं है, हाईली इनएक्यूरेट है, बट यहाँ पे हम लोग को चेक करना है प्रोजेक्ट किट में टेस्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हम लोग को एक लेवल स्कूप ही लेना है पानी में। सो एक लेवल स्कूप वही प्रोटीन जो है उसको ले लेता हूँ। ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, इसके लिए ऐसा कलर है, बट मैं यहाँ पे बोलूंगा कि स्मेल मुझे बहुत बढ़िया नहीं लगा, स्ट्रॉबेरी का उतना खास मुझे नहीं पसंद आया। चॉकलेट होता तो शायद वो मुझे पसंद आते, बट स्ट्रॉबेरी के उतना खास मुझे पसंद नहीं आ रहा है। फिर चलिए इसको रख देते हैं, फोम को डिजॉल्व होने देते हैं और हम लोग प्रोजेक्ट किट को तैयार करते हैं। सॉल्यूशन ओपन करने के बाद हम लोग को डालना है वो जो किट है उसके अंदर। सो किट को ओपन करते हैं। सो यहाँ पे जो भी चीज मैं कर रहा हूँ वो एज पर मसल बेस्ड प्रोजेक्ट किट कर रहा हूँ, कोई भी कंपनी का छोटा या बड़ा दिखाना मेरा काम नहीं है। जो एग्जैक्टली आता है लाइव वो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को जानकारी मिल जाए। सो चलिए यहाँ पे मैंने डाल दिया जो सोल्यूशन है, ये जो प्रोटीन है इसको डालते हैं 10 ml हम लोग जो सोल्यूशन है उसके अंदर और देखते हैं इसका कार्डलिंग कैसा आता है। तो चलिए 3, 2, 1 10 ml हम लोग को डालना है यहाँ पे ध्यान से। टाइट, क्योंकि हम लोग को दिखाना है आप लोग को कार्डलिंग। तो कार्डलिंग देख पा रहे हो, कार्डलिंग बढ़िया आया है, वे प्रोटीन का जैसा होता है वैसे ही आया है यहाँ पे। और कलर भी यहाँ पे दिख रहा है, जो स्ट्रॉबेरी कलर है वो यहाँ पे दिख रहा है ठीक है। तो अभी का जो टाइम है वो देख लेते हैं कितना है। अभी का जो टाइम है 12:03 PM और 13th May सैटरडे ठीक है। सो चलिए इसको शेक करते हैं 10 सेकंड के लिए और छोड़ देते हैं एक दिन के लिए, हम लोग के पास इसका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। सो चलिए ये जो प्रोटीन है इसका स्मेल कैसा है वो मैं पहले चेक करता हूँ और उसके बाद मैं जो प्रोटीन का टेस्ट है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। सो आई एम रियली सॉरी साहिल खान सर, आप बुरा मत मानिए, ये जो प्रोटीन है इसका जो स्मेल है बहुत मेडिसिन जैसा है, मतलब व्हे प्रोटीन से मतलब स्ट्रॉबेरी फ्लेवर कहीं से नहीं आ रहा है। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ये इसका जो स्मेल है मेडिसिन जैसा है, एकदम मेडिसिन जैसा है। तो मुझे एकदम अच्छा नहीं लगा, ये एक ऑनेस्ट रिव्यू मैं दे रहा हूँ, आप लोग बुरा मत मानिए कोई भी। मैं कोई भी ब्रांड को छोटा या बड़ा नहीं दिखाता हूँ, जो लाइव जो सामने हो रहा है वही चीज़ को मैं दिखाता हूँ। तो इसका जो स्मेल है एकदम मेडिसिन जैसा है, एकदम सही नहीं है। तो चलिए अभी इसका जो टेस्ट है वो एक बार चेक करते हैं, हो सकता है कि टेस्ट बढ़िया हो। सो अगर मैं ये प्रोटीन चेक कर, अगर मैं स्मेल लूँ इसमें से स्ट्रॉबेरी का और मिल्क का थोड़ा स्मेल आ रहा है, चलिए पी लेते हैं। थोड़ा बबल गम जैसा फील होता है, मतलब जो वो जो होता है बिग बबल होता है ना, वो वाला फील हो रहा है। सभी कंपनी का स्ट्रॉबेरी ऐसा ही टेस्ट होता है ऑलमोस्ट, बट ये आप पी सकते हो, ऐसा नहीं पी सकते हो। मिल्क का भी थोड़ा थोड़ा फ्लेवर आ रहा है, बट वो बबल गम जैसा थोड़ा फील हो रहा है ठीक है। सो यहाँ पे सेपरेशन जो है वो आ चुका है, आप लोग देख पा रहे हो ऊपर की तरफ हाफ है और नीचे की तरफ हाफ है। तो ऐसा सीनरियो में मसल बेस्ड प्रोजेक्ट किट के हिसाब से हम लोग को और एक बार शेक करना पड़ेगा और ये मैंने शेक कर दिया ठीक है। सो यहाँ पे पूरा एक दिन के बाद रिजल्ट आ चुका है, जो डिवाइन न्यूट्रिशन का जो व्हे प्रोटीन हम लोग यहाँ पे परचेस किए थे उसका टेस्ट किए है मसल बेस्ड प्रोजेक्ट किट के साथ। अभी यहाँ पे कंपनी का जो क्लेम था 75% क्लेम था, अभी हम लोग देखते हैं कि क्या रिजल्ट आए। सो यहाँ पे जो रिजल्ट आए हैं आपका
7-8 के बीच में, ठीक है, 7 और 8 के बीच में, इसका मतलब है आपका 45 से 55% के बीच में आया है, और एज पर जो क्लेम कर रहे हैं कंपनी वो क्लेम से बहुत ही कम है। तो इसका मतलब है एज पर मसल बेस्ड प्रो चेक किट ये जो प्रोटीन है ये फेल कर गया, ठीक है। अभी हम लोग इसका जो इन्वर्शन टेस्ट है वो एक बार चेक कर लेते हैं कि इन्वर्शन में ये पास करता है कि नहीं करता है। सो चलिए 3-2-1। सो इन्वर्शन जो टेस्ट है उसमें 100% पास कर गया, यहाँ पे जो प्रोटीन है पूरा स्टिक किया हुआ है। सो प्रोटीन का क्वालिटी तो बढ़िया है बट जो क्वांटिटी जो टेस्ट है उसमें फेल हो गया। तो प्रोचेक किट के साथ जो रिजल्ट आया है वो आप लोगों के सामने है, और एक्सपेरिमेंट में जो किया हूँ वो कोई भी कंपनी को छोटा या बड़ा दिखाने के लिए नहीं करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ मसल बेस का जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करके टेस्ट जो है वो मैं सारा जो प्रोटीन है उसके ऊपर करता हूँ। बाकी आप लोग का डिसीजन है, आप लोग लेना चाहते हो तो लीजिए, नहीं लेना चाहते हो तो मत लीजिए, आप लोग का डिसीजन है, मैं कोई नहीं होता हूँ आप लोगों को रोकने वाला। सिर्फ और सिर्फ मेरा है कि ट्यूटोरियल है आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को हेल्प हो जाए। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।